नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज इंडिया। टपरी में लगती शासकीय स्कूल, एक और जहां विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत नारे जैसे बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, स्कूल चले हम जैसे नारे दिए जाते हैं और योजनाएं भी चलाई जा रही है, मगर पुनासा तहसील के ग्राम ठंडा में बागबाई माता में बनी यह स्कूल इन दावों को खोखला बताती नजर आ रही है। यहां 2003 में शासकीय प्राथमिक शाला के लिए बनाया गया भवन 2011 में ही भ्रष्टाचार की कहानियां बयान करता नजर आ रहा है। छत से प्लास्टर उखड़ चुका है और सरिये निकल कर बाहर झांक रहे हैं और बरसात का पानी टपक रहा है। लगातार इस मामले को लेकर प्रशासन को टीचर द्वारा अवगत भी कराया गया, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई रिपेयरिंग भी नहीं कराई गई है। बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए ग्रामीणों द्वारा इस स्कूल के पास ही टपरी बनाकर बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। स्कूल की यह दशा देखते हुए तो कहना ही होगा कि कैसे स्कूल चले हम और कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। ग्रामीणों द्वारा मांग की गई है कि शाला को या तो रिपेयर करवाया जाए या नया बनवाया जाए। पुनासा से उमेश्वर ठाकरे की खास रिपोर्ट। क्या दिक्कत आ रही बेटा, आप लोग नीचे बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल के अंदर क्यों नहीं बैठे हैं आप लोग? स्कूल की छत टूट रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है इसलिए। तो आपको वहाँ डर लगता है? हाँ। आपका नाम बताएंगे बेटा? प्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? पांचवी। कौन से गाँव रहते हो? भगोई में। जो ये अपने पीछे जो अपने टपरी टाइप बनवा के और बच्चे आज स्कूल पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग? सर, 2011-12 से करीब स्कूल क्षतिग्रस्त है, ये काफ़ी रोज से प्रयास चल रहा है, मोहल्ले का भी, गांव का भी और मास्टर हो गए भी, तो क्षतिग्रस्त है वो, कुछ मटेरियल के कारण बेकार हो रही है और ये सब ग्राम के हिसाब से बना रखा है इन्होंने अपने अपने खुद की राशि से। प्रशासन से मांग की जाए कि तो जैसे भी हो वैसा इसको ठीक किया जाए। आपका नाम बताएंगे? ओम पटेल नाम मेरा, ग्राम डंठा से। ये कब से ये टपरी टाइप जो बनाई गई है, ये किसने बनाई और कब से स्कूल लगाई जा रही है इसमें? सबसे पहले तो हमारे दूरस्थ ग्राम में आप लोग यहाँ आए न्यूज़ के लिए, इसके लिए मैं ग्रामवासी की तरफ से, मेरी स्कूल की तरफ से और मेरे तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये दूरस्थ ग्राम है, अधिकारी लोग यहाँ आ नहीं पाते, कई वर्षों से हमारी प्रॉब्लम थी, यहाँ बिल्डिंग बहुत कमज़ोर बनी हुई थी, छत के पोपड़े नीचे गिर रहे हैं गलत मटेरियल के कारण। तो हमारे परम आदरणीय टीचर ने भी कई बार ऊपर संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया, बाकी आज तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंधित हमने विधायक महोदय को भी निवेदन किया, अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई। वो बारिश का टाइम था, बच्चे बारिश ज़्यादा गिर रही है, इसलिए बच्चों को भविष्य को देखते हुए ग्रामीणों के सहयोग से हमने एक टेम्प्रेरी स्कूल का यहाँ निर्माण किया, उसके नीचे देख रहे हैं। ये प्रशासन के तक ये हमारी न्यूज़ जाना चाहिए।